हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अवैध शराब के कारोबार का विरोध करने पर पड़ोसियों ने की जमकर मारपीट। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क पर आगजनी कर किया हंगामा। खाना बनाने के क्रम में एक नवविवाहिता की मौत। मानसिक रूप से बीमार थी मृतका, पति भी है मूक बधिर। एक साल पहले ही हुई थी दोनों की शादी। मारवाड़ी कॉलेज से इंटर की गायब कॉपियों के मामले में प्राचार्य ने मांगी रिपोर्ट। 286 बंडल कॉपियां गायब होने की खबर। जिलाधिकारी ने की कृषि टास्क फोर्स की बैठक। विभिन्न विभागों के कार्यों की भी हुई समीक्षा। और पानी की तरह बहाई जा रही है सरकारी राशि। 44 लाख की लागत से बना डीएमसीएच के गायनी विभाग का आईसीयू हुआ बेकाम। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी। 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहेरिया सराय दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल विरदीपुर दरभंगा। सीबीएसई करिकुलम, क्वालिफाइड टीचर्स फ्रॉम दार्जिलिंग। 5-acre कैंपस विद ह्यूज प्लेग्राउंड, कंप्यूटर क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी सर्विलांस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। कमिंग अप इन फ्यूचर फुल्ली एयर कंडीशन क्लासेस, स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज एंड एयर कंडीशन हॉस्टल। फॉर मोर डिटेल्स डायल 9431460027, 9430014701 एंड 9709334301। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल आईआईटी जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक दरभंगा। फॉर क्लास 6-12 स्कूल बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, फ्री स्टडी मटेरियल, फुल्ली एसी क्लासरूम्स, हॉस्टल फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। आल्सो प्रोवाइडेड ऑनलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली एंड कोटा, आईआईटीएंस एंड मेडिकोज। फॉर मोर डिटेल्स डायल 8271512141। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब। वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू एसएमएस अलर्ट सिस्टम। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। 5-acre एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस। ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। फॉर मोर डिटेल्स डायल 7763819774। शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल।
अवैध शराब कारोबार का विरोध करने पर पड़ोसियों ने की मारपीट। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क पर आगजनी कर किया हंगामा। लहरिया सराय थाना क्षेत्र के अंधेरिया बाग मोहल्ले के निवासी रतन प्रसाद के पुत्र मोनू कुमार के द्वारा घर से ही अवैध शराब का कारोबार किए जाने को लेकर पड़ोसियों द्वारा विरोध किए जाने पर मारपीट हो गई और घटना के विरोध में लोगों ने दरभंगा लहरिया सराय मुख्य सड़क को बांस बल्ला एवं टायर जलाकर जाम कर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही दंगा नियंत्रण पुलिस एवं पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाने में कामयाब हुई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रतन प्रसाद के पुत्र घर से ही अवैध शराब का कारोबार किया करता था, जिसको लेकर उनके पड़ोसियों द्वारा बार बार विरोध किया जाता था। इसी कड़ी में आज भी पहले दोनों पक्षों में तू-तू मैं-मैं हुई, फिर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बात पूरे इलाके में फैल गई और स्थानीय लोग पीड़ित परिवार के पक्ष में सड़क पर उतरकर सड़क को जाम कर अवैध शराब कारोबार एवं पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दिया। आपके साथ क्या हुआ? दुकान से आए हैं, मम्मी को मार रहे थे, फोन किया कि जल्दी आओ, मार दिया मम्मी को। आ रहा है कि गाड़ी पर से खींच के हमको भी ऐसे मार दिया, दारू के चलते सब मिल के मारा है। हुआ है मौतों से पसीबा से ऐसा मुनिया सब उठ गया था मारने के लिए, टाइगर निकाल लिया मारने के लिए। हाँ, मेरे नाना जी को भी मार दिया, मार दिया यहाँ पे टाइगर। माहौल को बिगड़ता देख मोनू ने शराब से भरी एक कार्टून को मोहल्ले में ही फेंक कर भाग निकला। वहीं लहरिया सराय पुलिस ने मोनू की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मोनू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मारपीट के दौरान अंधेरिया बाग मोहल्ले की जानकी देवी तथा सीता देवी भी घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए DMCH लाया गया और बेहतर इलाज के लिए जानकी देवी को PMCH रेफर कर दिया गया है। बेच रहा है, मेरे भगनी का छत पर धो दिया था चुरा चुरा कर, वो मना करने पर उस पर सब टूट पड़ा, उसका पूरा फैमिली का लोग घर में घुस कर मारा। उसको रोकने गए तो जितना दारू का मफिया है वहाँ पर का सब एक तरफा होकर हमको पूरा कमीज कमीज चीर कर मारे, टाइगर मार रहा था। लेडीज लोग अगर नहीं बचाते, लेडीज लोग अगर नहीं बचाते तो मेरी हाल अभी DM सेज में रहता। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के मिल्कीचक गांव में खाना बनाने के क्रम में एक विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता पूजा देवी की शादी एक साल पहले ही बबलू दास से हुई थी। बबलू दास जहां खुद मूक बधिर है, वहीं पूजा मानसिक रूप से बीमार थी, जिसका इलाज रांची से चल रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ अस्पताल को भी सूचना दी, लेकिन जब तक उचित इलाज मिल पाता पूजा की मौत हो गई। वही स्थानीय मोहम्मद एहसान ने बताया कि पहले से ही मानसिक तौर पर पूजा बीमार थी, घर में खाना बना रही थी, इसी दौरान उसकी साड़ी में आग पकड़ लिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। प्रशासन आया था, एम्बुलेंस भी आ रहा है, लेकिन तब तक उसकी दुखद मौत हो गई। ना तो वैसे भी ये मेंटली प्रॉब्लम है इनको, इसका रांची से इलाज चल रहा था और उनको गले में भी जो है वो प्रॉब्लम था घेग लटकने का, ठीक है। तो मेंटली था, घर में साथ खाना वाना बना रही थी तो लगने से जो है उसका आंचल में आग लग गया, उसकी वजह से जो है मामला फैल गया। प्रशासन आया था प्लस जो है आपको एम्बुलेंस भी आ रहा है, खबर की तक का क्या नाम है? मारवाड़ी कॉलेज से गायब इंटर की कॉपियों में प्राचार्य ने मांगी रिपोर्ट। पटना के कबाड़ दुकानदार के पास से वर्ष 2017 की इंटर परीक्षा की कॉपियां मिलने और उस कॉपी का दरभंगा मारवाड़ी कॉलेज का इस सिलसिले में नाम आने के बाद से मारवाड़ी कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
सूत्रों की माने तो मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य ने जब कॉलेज में रखी कॉपियों की गिनती कराई तो जो परिणाम सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। गिनती में 50% कॉपियां गायब पाई गई हैं। इंटर 2017 की कॉपियों के 649 बंडल मारवाड़ी कॉलेज को प्राप्त हुए थे, जिनमें से गिनती में मात्र 363 बंडल ही उपलब्ध पाए गए हैं। 286 बंडल कॉलेज से गायब हैं। इस संबंध में कॉलेज के शिक्षक या कर्मी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। जब इस संबंध में हमने कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त से पूछा तो उन्होंने भी आंकड़ों से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि तत्कालीन केंद्राधीक्षक प्रोफेसर हीराकांत झा, सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार से गायब कॉपियों के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलते ही उस आधार पर जाँच कमेटी का भी गठन किया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अपने स्तर से उसका जांच कर रहे हैं और इसमें उस कर्मी को इन्वॉल्व किया गया है। हमारे पूर्व प्रचार्ज डॉक्टर हीराकांत गाड़ी को भी कहा गया है कि अपना प्रतिवेदन दें और सहायक परीक्षा नियंत्रक भी है अमित बाबू, उनसे भी मांगा गया है रिपोर्ट। और उसके बाद एक कमेटी गठित हो जाने के बाद जो भी प्रतिवेदन आएगा, जांच प्रतिवेदन, उस पर आवश्यक कार्रवाई। जिला पदाधिकारी ने कृषि टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी, उप विकास आयुक्त और कार्यालय के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। देखिए सर, 5 एकड़ था, उसमें 3 लीटर देखी बातें, पपीता और केला सर सितम्बर अक्टूबर से, चौवालीस लाख की लागत से बना दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनी विभाग का आईसीयू हुआ बेकाम। डीएमसीएच में सरकारी राशि को किस तरह पानी में बहाया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण गायनिक वार्ड का आईसीयू है। करीब 44 लाख की राशि से विभाग में आईसीयू बनाकर वर्ष 2014 में तैयार हुआ और इसका उद्घाटन सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया था। छोटे से कमरे में नाम के लिए 6 बेड की आईसीयू बनाई गई थी, हालांकि शुरू से ही वहां 4 बेड ही लगाए गए थे। इधर आईसीयू के फर्श के मरम्मत के नाम पर उसे खाली कराकर उसे विभाग के बड़े कमरे में शिफ्ट किया गया था और आईसीयू के फर्श का काम पूरा होने के बावजूद गायनी विभाग प्रबंधन अस्थायी रूप से चल रहे आईसीयू को पुरानी जगह पर शिफ्ट करने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि मूल आईसीयू में जगह की कमी के अलावा सुविधाओं का घोर अभाव है, इस वजह से उसे नई जगह पर ही चलने दिया जाए। इस पूरे मामले ने तत्कालीन अस्पताल प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सवाल यह उठता है कि जब कमरा इतना छोटा था तो आईसीयू के लिए उसका चयन क्यों किया गया, जहां केवल 4 बेड ही लग सकते थे, उस आईसीयू को 6 बेडेड आईसीयू का नाम क्यों दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस स्थिति में उसके निर्माण पर इतनी बड़ी राशि क्यों खर्च की गई। जिस कमरे में आईसीयू को शिफ्ट किया गया है वहां कई सुविधाओं का अभाव है, नई जगह पर ऑक्सीजन पाइपलाइन भी नहीं है। पाइपलाइन की व्यवस्था करने में अस्पताल प्रशासन को दोबारा बड़ी राशि खर्च करनी पड़ेगी, वहीं कई अन्य उपकरणों की व्यवस्था भी करनी होगी। जब हमने ड्यूटी पर तैनात आईसीयू की सिस्टर रंजू कुमारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मूल आईसीयू में ड्यूटी रूम, शौचालय आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी के भी इंतजाम नहीं है, ऐसे में उस कमरे में आईसीयू चलाना मुश्किल है। यह जगह बड़ी और काम करने में सुविधाजनक हो रही है। वो बहुत छोटा था ना, इसीलिए यहाँ लाया गया जगह। कितने वार्ड बेड का आईसीयू? इसमें 4 था, इसमें 5 है। क्या कठिनाइयाँ होती थी वहाँ? बहुत कंजस्टेड लगता था। और यहाँ? यहाँ ठीक।
इस सिलसिले में पूछने पर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने बताया कि गायनी विभागाध्यक्ष ने मूल आईसीयू में जगह की कमी रहने के कारण उसे स्थानांतरित कर सारी सुविधा देकर बड़े कमरे में चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह आईसीयू के मानक पर खरा नहीं उतर रहा। फिर भी नियमित रूप से डॉक्टर का राउंड और मरीजों की देखभाल की जा रही है तथा जल्द ही सारी सुविधा से लैस आईसीयू बनाने की योजना है। अब सवाल यह उठता है कि जब वह कमरा आईसीयू के लिए उपयुक्त था ही नहीं, तो तत्कालीन अस्पताल प्रबंधन ने उसे आईसीयू बनाने में इतनी बड़ी राशि खर्च क्यों की? देखिए, वो जो आईसीयू में बना था उसमें वो 6 बेड का था और उसमें जगह की कमी के कारण नर्स स्टेशन डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था कमी होने के कारण उस जगह से उसे शिफ्ट करके दूसरे जगह दिया गया और उसमें फिर जितनी भी सुविधा है दी गई, लेकिन फिर भी जो आईसीयू का प्रावधान है जिस तरह का, उस तरह का प्रावधान नहीं है उसमें। और जो उसमें सिस्टर इंचार्ज होनी चाहिए, जो ट्रेंड सिस्टर इंचार्ज होना चाहिए आईसीयू का, डॉक्टर की उपस्थिति होनी चाहिए उसमें स्पेशली उसी के लिए, वो अभी नहीं है उसका। और ऐसा हम लोग का मानना है कि अभी वो हम लोग आईसीयू उसमें चला रहे हैं, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसको मिलती है, डॉक्टर्स का राउंड होता है, उसका समुचित इलाज होता है। हम लोगों ने बातचीत की है कि नया से आईसीयू जिस तरह का होता है, असल रूप आईसीयू का, उस रूप में आईसीयू बनाने की योजना है जो कि निकट भविष्य में बनने की संभावना है। अभी इस आईसीयू से हम लोग वेंटिलेटर की सुविधा, गहन चिकित्सा की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, मॉनिटर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें उन लोगों का इलाज हो रहा है। लहेरिया सराय प्लस टू ब्रज किशोर धरनीधर राजकीय बालिका उच्च विद्यालय जिला स्कूल में दरभंगा प्रमंडल के लिए विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आरडीडी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा एवं स्कूल की प्राचार्य के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। राज्य शिक्षा शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार एवं कृष्ण विज्ञान केंद्र 2018 की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि प्रमंडल स्तरीय सभी जिले से 88 प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं। उसमें मुख्य बिंदु स्वच्छता एवं दहेज समेत कई जनहितैषी योजनाओं को शामिल कर इस पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह प्रतिवर्ष हो रहा है और इस बार भी 2018 का यह आयोजन किया गया। और प्रगतिशील करने के लिए ये सारे ड्रामा का आयोजन किया जा रहा है प्रमंडल स्तरीय, जिसका मुख्य विषय डिजिटल इंडिया है। हमारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी वो राज्य स्तर पर होगा, केंद्र स्तर पर होगा, उसमें भाग लेंगे, भाग लेकर के आगे जो है सफलता प्राप्त। कितने छात्राओं? 3 डिस्ट्रिक्ट के 27 बच्चे हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और ये भाग ले रहे हैं। वास्तव में हम सब लोग जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों से विज्ञान आएगा कि लोग विज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी फैला हुआ है। तो हम लोग चाहते ये हैं कि जो समाज है, जो आने वाली पीढ़ी है, वह विज्ञान को नज़दीक से देखे, उसके महत्व को समझे, उसका भरपूर उपयोग करें। तो इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में कराए जाते हैं, जिसमें एक प्रमुख है। इसकी विशेषता ये होगी कि चूँकि बच्चे नाटक करेंगे, बच्चे भूमिका में आएंगे, तो उस बात को, विज्ञान की बातों को बेहतर ढंग से आत्मसात कर पाएंगे और वही बच्चे कल हमारे भविष्य हैं, वो समाज को दिशा निर्देश करेंगे और हमारा देश विकास के पथ पर चलता है। विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है प्रमंडल स्तरीय। ये 3 स्तरों पर चुन करके बच्चे यहाँ आए हैं, पहले अपने जिला के स्तर पर, फिर प्रमंडल स्तरीय, और यहाँ से चुन करके फिर बच्चे जाएंगे राज्य स्तर पर पटना। तो ये प्रतिवर्ष होता है विज्ञान के जागरूकता के लिए।
विज्ञान के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने के लिए, सचेतता लाने के लिए कि किस प्रकार से हम विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को ज़्यादा सुखी, स्वस्थ और स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी जागरूकता के तहत इस तरह के कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते हैं, आयोजित किया जाता है हमारे आरडीडी साहब के तरफ से, और ये प्रमंडल स्तरीय है, इसलिए 3 जिले के बच्चे इसमें भाग लिए हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तीनों से टीम आई है, लगभग 7 से 8 जैसा निर्देश था कि इतने बच्चों की टीम होगी, और नाटक के माध्यम से, छोटी लघु नाटक के माध्यम से ये अपने विषय को बताएंगे। विषय जो है इसमें डिजिटल इंडिया, सफाई, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय संरक्षण, ये 4 विषय हैं। इन्हीं 4 विषय में से किसी एक विषय पर बच्चे अपने नाटक तैयार करके लाएंगे और लाए हैं, और उसी पर ये नाटक किया जाएगा यहाँ पर। और नाटक चूँकि ये ऐसा माध्यम है कि जिससे रोचक ढंग से बच्चे इंटरेस्ट ले गए और विषय को समुचित ढंग से समझ पाएंगे। विज्ञान वैसे कहा जाता है थोड़ा नीरस सब्जेक्ट है, परंतु इसे नाटक के माध्यम से रोचक बना करके बच्चों के जो मानस पटल हैं, जो कम थोड़ा मैच्योर हैं, उनमें समझाने की कोशिश की जाए। संस्कृत दिवस समारोह का दिखेगा बदला स्वरूप, उपाकर्म पर छपेगी पुस्तक और बटेगी भी निःशुल्क, होगा शास्त्रार्थ के साथ विशेष व्याख्यान, 4 दिनों तक विश्वविद्यालय मुख्यालय में रहेगी चहल पहल। अब की बार संस्कृत दिवस समारोह अन्य वर्षों से कई मामलों में अलग रहेगा और इसका स्वरूप भी एकदम बदला सा दिखेगा। मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में आहूत विशेष बैठक में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने इसकी अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट कर दिया कि संस्कृत दिवस समारोह पर परंपरागत गतिविधियाँ तो होंगी, लेकिन इसके अलावा कई अन्य नए कार्यक्रम भी होंगे, विशेष रूप से शास्त्रार्थ व व्याख्यान के साथ साथ क्विज व श्लोक अंतराक्षरी पर विषय का जोर रहा। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि 25 अगस्त को समारोह का उद्घाटन होगा और समापन 28 को किया जाएगा। 4 दिनों के कार्यक्रम की रूपरेखा भी करीब करीब तय कर ली गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के दिशा निर्देश में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय एवं यूनिसेफ के बीच बनी सहमति के आलोक में टीचर एजुकेशन का एक्सीलेंस सेंटर विकसित होने की ओर वित्तीय प्रबंधन की जानकारी लेते ही यूनिसेफ की एक त्रिसदस्यीय टीम दरभंगा पहुंची और कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल की अध्यक्षता में इस टीम ने अपने विचार रखे। इस क्रम में कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार रॉय ने हर्ष व्यक्त किया कि बिहार में यह पहला विश्वविद्यालय है जहां यूनिसेफ द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र विकसित किया जाना है। टीम ने विशेष रूप से वित्तीय परामर्शी अमानुल हक तथा वित्त पदाधिकारी विनोद कुमार के साथ वित्तीय आकलन पर चर्चा की और मिथिला विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन तथा प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। आधुनिक MS एम्पोरियम किंग ऑफ कुर्ता नेशनल सिनेमा के निकट मौलागंज दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाई ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर चौक दरभंगा।
अ ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जी मेडिकल प्लस टू बोर्ड प्री फाउंडेशन फॉर क्लासेस 7th टू 10th एनटीएससी एंड ओलंपियाड। अवैध शराब के कारोबार का विरोध करने पर पड़ोसियों ने की जमकर मारपीट, घटना के विरोध में लोगों ने सड़क पर आगजनी कर किया हंगामा। खाना बनाने के क्रम में एक नवविवाहिता की मौत, मानसिक रूप से बीमार थी मृतका, पति भी है मूक बधिर, एक साल पहले ही हुई थी दोनों की शादी। मारवाड़ी कॉलेज से इंटर की गायब कॉपियों के मामले में प्राचार्य ने मांगी रिपोर्ट, 286 बंडल कॉपियां गायब होने की खबर। जिलाधिकारी ने की कृषि टास्क फोर्स की बैठक, विभिन्न विभागों के कार्यों की भी हुई समीक्षा। और पानी की तरह बहाई जा रही है सरकारी राशि, 44 लाख की लागत से बना डीएमसीएच के गायनी विभाग का आईसीयू हुआ बेकाम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक आरआर प्रसाद ने यह निर्देश दिया था कि सभी मरीजों को उचित समय पर इलाज एवं उचित दवा मिले, लेकिन अभी भी डीएमसीएच के अंतर्गत दवा के लिए मरीज के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में 65 प्रकार की दवा उपलब्ध है और मरीजों को बाहर से मैक्सिमम दवा लेनी पड़ रही है, जबकि दवा स्टोर से उसे एक या दो दवा ही उपलब्ध कराई जा पा रही है, बाकी दवा बाहर से लानी पड़ती है। उत्तर बिहार की सबसे देखा इसी तरह से एक आया था, तो उसमें जो पुर्जा मिलता है उन्हें बाएं तरफ में जितनी भी दवा अवेलेबल है सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है उसका एक लिस्ट है। हम लोगों ने डॉक्टरों को निर्देश दिया है जो चिकित्सक इलाजरत हैं कि यथासंभव उस उपलब्ध दवाओं में से ही लिखें ताकि मरीज को उपलब्ध दवाओं का फ़ायदा मिल सके। अगर लेकिन ऐसा भी है, कुछ दवाएँ ऐसी भी हैं जो मैंने भी देखा है उसमें उपलब्ध नहीं है, और अगर डॉक्टर उसी में से दवा लिखे और वो फ़ायदा नहीं होगा तो वो भी फिर एक लांछन आती है कि आपने क्या दवा लिखा जो फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में किसी किसी परिस्थिति में बाहर की दवा लिखनी पड़ती है। अभी आपने कहा कि 5 दवा में से 1 दवा, तो जो दवा उपलब्ध है उससे अगर वो ठीक हो जाने का है तो चिकित्सक को हमने अनुरोध किया है कि आप यथासंभव उसमें से ही दवा आप सिलेक्ट चयन कीजिए और उसी दवा को आप उस पुर्जे पर लिखें। लेकिन कभी कभी उनकी भी बात सच है कि उनकी जो दवा जो जिससे वो मरीज ठीक होगा वो उस लिस्ट में नहीं है और उसको डीएमसीएच के अधीक्षक ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के साथ बातचीत की, संवाद व्यक्त किया और उनकी समस्याओं पर सघन विचार विमर्श कर उसके निदान के लिए आश्वासन भी दिया। बैठक हुई जिसके तहत उनकी जो समस्या है उसे भी मैंने जाना चाहा, ताकि अगर जब तक उनकी समस्या भी नहीं हम देखेंगे तो फिर वो लोग अपने कार्यस्थल पर सही ढंग से कार्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने उनको प्रतिवेदन के रूप में अपनी समस्या सुझाव के बारे में भी कहा था, और मेरे साथ थे जो समस्या नोट भी कर रहे थे। तो मुख्य रूप से उनकी समस्या 2-4 थी, जो कि पहला था कि उनके कार्यस्थल पर समुचित कार्यकर्ता नहीं है जिनको उपलब्ध कराया जाए, जो उनका कार्य है उसके अलावा भी उनको कार्य करना पड़ता है उसके लिए कुछ संज्ञान लिया जाए, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट या कुछ अप्रिसिएशन लेटर उनको मिले, वो सब चीज़ है तो वो किया जाए। दूसरा कि जो प्रोन्नति का है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का तृतीय वर्ग कर्मचारी में, उसको वरीयता के आधार पर करने का है वो करने की दिशा में कदम उठाया जाए। क्वार्टर की जो अवस्था है वो जर्जर है, वो रहने लायक नहीं है, अलपट्टी बेता ये सब की बात बता रहे थे, क्वार्टर है वहाँ नहीं है, पेयजल की समस्या है, शौचालय की समस्या है, साफ किया जाए। हमने कहा है कि 24 घंटा के अंदर में मैं एक पत्र संबंधित अधिकारियों को PWD PHED को मैं लिखने जा रहा हूँ, और जो
जो छोटे छोटे काम है, चापाकल का काम है या कहीं से डांस को लिख कर रहा है, वो सब काम मैं अपने स्तर से कराऊंगा। लेकिन जहाँ पर PWD और PCD इन्वॉल्व है उसको मैं उनके स्तर से कराऊंगा, जिसके लिए पत्र हम 24 घंटा के अंदर भेजेंगे। और फिर उनकी एक समस्या और भी थी कि उनका जो ड्रेस वर्दी उन लोगों को नहीं मिला, या मिला तो उस साइज का मिला जो कि नहीं था। और तो उसके लिए हम लोग का एक प्रावधान आया है कि वर्दी से संबंधित जितने खर्च आते हैं, किसी को सिलाई का पैसा नहीं मिला तो वो खर्च उनके अकाउंट्स में दे दिया जाए, जिससे वो खुद ब खुद उसको खरीद सके अपने ठीक अनुसार। दूसरी बात कि उनके जूते का साइज भी नहीं था, इसमें आया जाए तो हम सोचते हैं कि जैसे कपड़े का वर्दी का बात हो रही है, उसी तरह से जूते का भी जो पैसा है उनके अकाउंट में डाल दिया जाए। और ऐसा अगर नहीं होता है जूते के संबंध में तो सब लोग अपना नाप दें और उसके नाप के अनुसार में जूता उनको दिया जाएगा, नहीं तो पानी लायक रहता है। युवा जदयू दरभंगा महानगर जिला कमेटी के विस्तार की बैठक दोनार स्थित वार्ड 27 में आयोजित हुई, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर जिला महासचिव सोहन मंडल ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में युवा जदयू दरभंगा महानगर अध्यक्ष नवनीत कुमार सिंह और बिजली सिंह उपस्थित थे। जिसमें महानगर अध्यक्ष नवनीत सिंह सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें कार्यकर्ता। बिहार अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी एवं प्रदेश मंत्री डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन तथा मधुबनी जिलाध्यक्ष का स्वागत किया गया समस्तीपुर में। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन ने सरकार की उपलब्धियों को जमकर गिनाया। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, हमारा प्रण अंत्योदय है, हमारा पथ अंत्योदय है। ये लक्ष्य प्रण और पथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आदर्श भारत ही नहीं पूरे संसार को चैन शांति अमन और सलामती का पैगाम दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के ही नेता नहीं हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड के ताज हैं। अमेरिका में भी, रूस में भी, जापान में भी, अरबिस्तान में, वर्ल्ड के कोने कोने में छान डालिए, कोई भी ऐसा लीडरशिप नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा हो। हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष श्री तुफैल कादरी साहब पहुँचे हैं इस ताजपुर की धरती पर, महुआ रोड में। ये उनका मूल उद्देश्य है कि जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री का नारा है कि गांव की ओर ओर चलो, ग्रामीण लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ो, संगठन से जोड़ो, तो इस कार्यक्रम को लेकर गांव की ओर हमारे प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी जी चले हैं और अधिक से अधिक अल्पसंख्यक समाज के लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने देश की एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारे को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है। विश्व में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेता के नेतृत्व दे रहे हैं, पूरे विश्व में अपना नेतृत्व बैठा रहे हैं, विश्व के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बन रहे हैं, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, नेपाल हो, चाइना हो, अमेरिका हो, रूस हो, हर जगह उनके अच्छे संबंध बन रहे हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, सारी पॉलिसी सराहनीय है। ये देश की एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारा को कायम रखने के लिए कायम कर रहे हैं, इसलिए कोई मतभेद नहीं है, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। ये देश की एकता को कायम रखने के लिए पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी भी संगठन
से काफ़ी मजबूती से जमीन पर जुड़े हुए हैं और नित्यानंद जी के क्षेत्र में मैं आया हूं और उनकी प्रशंसा कर रहा हूं कि उनके काफ़ी लोग हैं संगठन से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं।